कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं। निशानेबाज तेजस्वी सावंत को गोल्ड मेडल मिला है। तेजस्विनी को 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में ये गोल्ड मिला है। इसके अलावा 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में अंजुम मुदगिल को भी सिल्वर मिला है। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भारत को एक साथ दो मेडल मिल गए हैं। तो आपको बता दें कि भारत को एक गोल्ड और एक सिल्वर दो मेडल मिले हैं इसी इवेंट में। तो अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 15 गोल्ड हो गए हैं, कुल 18 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज हो गए हैं। अनुराग भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, रोज सुबह हम ये अच्छी खबर अपने दर्शकों को सुनाते हैं, एक और मेडल के संग हम तीसरी पोजीशन पे बरकरार हैं। बिल्कुल नंदिता, क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि आज अगर आप आज दिन की शुरुआत ऐसी हुई है तो आज भी आप कम से कम 20 मेडल्स जो है वो स्टेक पर हैं और 20 मेडल्स में भारत की दावेदारी होगी और उस हिसाब से आज जो है शुरुआत अच्छी रही। कल जो है तेजस्विनी सावंत ने 50 मीटर प्रोन इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था और आज उसको उन्होंने 50 मीटर थ्री पोजिशन में ये गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा इसे एक संकेत कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले लंबे समय से तेजस्वी सावंत शूटिंग में अपना परफॉर्मेंस जो है वो बरकरार रख पाई है, लगातार मेडल्स जीती रही है, ये उनके लिए अच्छी कामयाबी मानी जा सकती है और भारत के लिए भी, और खासकर भारत के लिए इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से एक ही इवेंट में दो मेडल्स भारत को मिल रहा है, अंजुम मुदगिल को भी सिल्वर मेडल मिला, तो एक भारत के लिए अच्छा संकेत माना जा सकता है कि जो प्लेयर्स हैं उनकी कंपटीशन के लेवल आप समझ सकते हैं कि कैसे आपस में ही एक दूसरे से मेडल के लिए लड़ रहे हैं। ये आने वाले मुकाबलों जैसे एशियन गेम्स जैसे मुकाबले उनके लिए भारत के लिए अच्छा संकेत। बिल्कुल, और खास तौर पे इस बार देखा जा रहा है कि शूटिंग इवेंट्स में बहुत सारे मेडल्स इस बार भारत जीत रहा है। शुक्रिया अनुराग जानकारी देने के लिए। एक बार फिर बता दें, 15 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल इस वक्त भारत के खाते में।